हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल क्रोम के अंदर योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, तो इसको फिक्स करने के लिए गाइस हमारे पास जो पहला तरीका है, आपने जाना है अपने गूगल क्रोम में। एंड गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है। सो आपने कैसे अपडेट करना है, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है, फिर आपने जाना है थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपने जाना है हेल्प में। एंड हेल्प के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अबाउट गूगल क्रोम, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपके पास यहाँ पर आएगा अपडेट का ऑप्शन। अगर आपका गूगल क्रोम अपडेट नहीं होगा, मेरा गूगल क्रोम अप टू डेट है, तो यहाँ पर आ रहा है गूगल क्रोम इज़ अप टू डेट। लेकिन अगर आपका गूगल क्रोम अपडेट नहीं होगा, तो यहाँ पर आपके पास अपडेट का ऑप्शन आएगा, आपने अपने गूगल क्रोम को अपडेट करना है। एंड अपडेट कर लेने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, राइट। अगर इससे भी आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई, तो दूसरा जो हमारे पास इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका है, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है एंड देन आपने थ्री डॉट्स पर जाना है। थ्री डॉट्स पर जाने के बाद आपने जाना है हिस्ट्री में, राइट। हिस्ट्री में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, तो आपने ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कर लेना है। इसको मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा, लेकिन आपने अपने ब्राउजिंग डेटा को क्लियर कर लेना है। आपने यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डेटा के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक कर लेने के बाद आपने यहाँ पर टाइम रेंज के अंदर सेलेक्ट करना है ऑल टाइम, राइट। ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ से अपने डेटा हिस्ट्री को क्लियर कर लेना है। क्लियर कर लेने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, राइट। So guys, that's it, and this is how you can fix Google Chrome your connection is not private problem. आप इसी तरह इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।